तरलावा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरे से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल। तो गाइस, आपको पता है कि आज हम क्वेटा में आ चुके हुए हैं। तो आज हमारा पहला दिन है क्वेटा में। पहले तो आपको मैं यहाँ पे पहाड़ वहाड़ चेक करवाता हूँ। इधर ये देखें सामने, कल के ब्लॉग में था जो दिन के टाइम था व्यू, और ये आज, और सॉरी वो रात का था, ये दिन का। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइस, जिसने जिसने अभी तक शाजू भाई चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो जाओ जल्दी जल्दी शाजू भाई चैनल को ओपन करो, वहाँ सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन का जो बटन है वहाँ आपने ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी जो भी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, वीडियो, फनी वीडियो जो भी आए वो आप तक टाइम और टाइम पहुँच जाए। तो गाइस, ये हम पहुँचे हुए हैं क्वेटा में। ये आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएँगे, अभी तो हम खाना खाने जा रहे हैं। ये स्टेडियम वाली साइड पर हम रुके हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में। तो अभी तो इधर ये काम चल रहा है, स्टेडियम बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखें। और बादशाह भाई, आपका आज पहला दिन है क्वेटा में, मतलब कि काफ़ी साल बाद आप तो आते हो हर साल है, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है? मौसम के बारे में बताएं क्या आपको? मौसम के बारे में अगर बताया जाए तो इस बार अभी बहुत बेहतर है। बेहतर है ना, जाते सारी बारिश हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है। ये तो इस टाइम इतनी गर्मी होती है कि बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो फिरने का मजा आ रहा है इधर। हाँ जी, लेकिन दिल अभी भी आपका नहीं कर रहा था, हमें कह रहे थे जाओ खाना लेके आओ। जबरदस्ती है वहाँ को लेके आना यहाँ पे, ठीक है? ये लंबे सफर की वजह से बस कह रहा था कि नहीं जाना। दरअसल कल से हम आए हुए हैं, आपको पता है 24 घंटे का सफर है, 24 से ज्यादा हमें लग गए थे, 25 से 26 घंटे लग गए थे, 27 घंटे हमें लग गए थे। इसलिए ना जरा थकावट भी हुई है, और सुबह आज हम ट्रेनिंग करके आए हैं। सुबह 10 से 12 बजे 2 घंटे हमारी ट्रेनिंग थी माशाल्लाह। गाय सामने देखें, चेक करें, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सारे पहाड़ जो है ना, इससे पीछे भी और पहाड़ हैं, हम आए ये सारे क्रॉस करके आए ना शिवजफर भाई, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो गायज, ये क्वेटा का क्रिकेट स्टेडियम है, ये देखें, ये नवाब अख्तर खान भुट्टी क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे जो मैच भी हुआ था, मेरा ख्याल है ये क्वेटा बलोचिस्तान में जो क्रिकेट स्टेडियम में मैच भी हुआ था यहाँ पे, ये देखें, क्वेटा ग्लैडियर्स पेशावर जलमी। ये वो गाइस, रोटी ली है अभी, एक एक फ्राई करने लगे हैं। होटल बंद है हमारा, जहाँ से हम खाना खाते होते थे, यहाँ से हमने वो लिया है, रोटी ली है। ये वो कॉर्नर वाला होटल था, ये ईद की छुट्टियाँ अभी, ये कहते हैं कि छुट्टियाँ ज़्यादा मनाते हैं, अभी बंद है। तो यहाँ से हम चने ले रहे हैं, छोले के चने ले रहे हैं सॉरी। तो ये देखें, इधर बैठ के फिलहाल खाने लगे हैं, अगर अच्छा लगा तो यहाँ से खाएँगे, नहीं तो आगे जाएंगे प्रिंस रोड हॉस्पिटल दोबारा। ये रोटी आ गई है हमारी, ठीक है। होटल वो पीछे है, वो भी बंद है, ये वाले होटल भी बंद है। अभी हम यहाँ पे बैठ के खाने लगे हैं, तो बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो गाइस, ये हमारे चने आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें प्रिंस रोड पे ही जाना पड़ेगा। टाइम है तो अभी भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा एटीएम से पैसे वैसे निकलवाने हैं, रात को बैंक बंद था यहाँ पे। ईद की छुट्टियाँ अभी तक चल रही हैं यहाँ पे, 8:29 हो गई हुई है, लेकिन ईद की छुट्टियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। होटल जो नॉर्मल है, स्टूडेंट्स होटल्स होते हैं, वो सारे बंद हैं। प्रिंस होटल में आए हैं, देखते हैं, प्रिंस रोड पर आए हैं, देखते हैं क्या चलता है यहाँ पे। ये देखें जी, ये आ गया बैंक हमारा, तो देखते हैं इसका एटीएम खुला है या बंद है। बैंक तो अभी भी बंद है, ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ वैसे ही इन्होंने, एटीएम भी बंद है यहाँ पे। लग रहा है कि ये वाला होटल आज ट्राई किया जाएगा। आगो मैं दिखाता हूँ शिबाज भाई कहाँ पे रुके हैं, होटल ढूंढ रहे हैं। तो शिबाज भाई रुके हैं, ये देखे जानी डेरीज प्रोडक्ट्स पे रुके हैं, ऊपर से पढ़ नहीं रहे, दूध दही वाली दुकान है उधर, पता कर रहे हैं कि जी खाने वाने का, इनके काम चेक कर लो, जानी वाले को से कर रहे हैं, इनका दूध गर्म हो रहा है। कच्ची लस्सी तो हमें वहाँ से मिल जाएगी, वो देखो वो उधर से लेंगे।
ये चाटी की लस्सी, बस थोड़ी सी चेक कराना, चेक कर रहे शबाज भाई। ये क्या यार, ये तो धोखा कर दिया आपने। हाँ जी, और इन्हें तो इदा ही होंगी है बेटा, ठंडी है भाई, ठंडी है, बर्फ डालेगा। यहाँ पे रोटी चेक करें कितनी बड़ी होती है। बाद भाई देखें, मुफ्त में लस्सी पी रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने पी के कहना बस मैंने पी ली है लस्सी। ये देखें, ये लस्सी की शॉप है। हाँ जी, आई पसंद, सही है। देखो जी, हमारा मोती क्या मतलब शापर नहीं खोल रहा। देखो यार, अगे तुम यार समझदार हो। हाँ जी, सफर भुख नहीं लगी जबर के आप बोल चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके कैसे हो गए जो है ना, हम खाना खाने लगे हैं यार, शापर तो ये खाना वाना खाने लगे हैं, खाना बताते हैं हमें यहाँ पे, सब्जी करवाई है, दाल करवाई है, दाल भी है, कोरमा वोरमा करवाया है। ये देखें, दाल चावल आ गई है, पालक आ गई है, अब ये ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे खाना है हमने। रोटी गाइस, ये रोटी चेक करो, ये मेरा हाथ है पूरा, ठीक है, हाथ भी छोटा पड़ रहा है। ये आधी रोटी है इसकी, मतलब कि ये अगर इसको जोड़ देंगे ऐसे तो ये पूरी रोटी बनेगी। गाइस, खाना खा के हॉस्टल आ गए हम, तो ये हमारे हॉस्टल है सामने, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हम रह रहे हैं यहाँ पे। तो और टीम्स भी हैं, हम कराटे की टीम नहीं है यहाँ पे, वुशु की टीम भी है, और दो एक दो टीम्स और हो गई यहाँ पे, लेकिन अभी हमारी कोई इतनी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि हम रात को ही आए हैं यहाँ पे। कहाँ से जा रहे हो? हेलो मानो, क्या कर रही हो? इधर आओ, बात सुनो, खाना खाया है? तो गाइस, मैं और शिबाज भाई जा रहे हैं ट्रेनिंग पे अलग से, क्योंकि हमारा कोई अलग इवेंट है, तो हमारी ट्रेनिंग सारा सेपरेट होती है थोड़ी। अभी उठे हैं, सोए हुए थे, तो बाकी मौसम जो है ना कोयटा का, वो बहुत ही प्यारा हो गया हुआ है। ये देखें, मौसम दिख रहे हैं आपको भाई, भाई कैसा लग रहा है मौसम? देखो, दोपहर के टाइम थोड़ी धूप थी, अभी HD रिजल्ट हो गया हुआ है सुभाष भाई। तो गाइस, अभी हम आए हैं ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे क्लब में, तो माशाल्लाह यहाँ पे नज़ारा चेक करें यहाँ पर। ट्रेनिंग करके मैं रूम में आ गया हूँ, हमारा एक बड्डी आ गया, दो बड्डी आ गए हैं, और एक आया कराची से और एक आया गुजरांवाला से। तो क्या हो गया नंगा? ये है जॉन विक है, जॉन विक, ये कराची ऐसे आया आधे मोहन ये हमारे तो शाम भाई है, ये शब्बी भाई है, सही है शब्बी भाई, आपको इतना इतना ही दिखाया, ठीक है। नीचे से ये नंगे पुंगे हैं इस बार, ये आपको पता ही है, इसका तारफ, ये तारफ का मोहताज है लेकिन करवाना नहीं है। गाइस, ये देखें, एक दो तीन, और पीछे मैं बैठा था इतनी जगह पे, चार लोग। अभी हम आ गए हैं, शबी भाई हमारे साथ हैं। तो शबी भाई, कहाँ पे आए हैं आप बताएं ना, थोड़ा ऊँची बोलना थोड़ा। भाई हम आ गए हैं अब मरियाबाद, खाना खाने के मरियाबाद आए हैं, हज़ारा टाउन भी कहते हैं। हाँ, हज़ारा टाउन मरियाबाद आ गए हैं यहाँ पे, ये कौन सी है बारबेक्यू हट पे यहाँ पे आ गए हैं। अभी बादशाह भाई ने हमें कहा था कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, देखते हैं अभी जाके खाना, तो आपको भी बताएंगे खाना कैसा है, तो आप भी ट्राई करिए। देखिए शिवाज भाई को दोहरा दोबारा दोहरा दो अभी दोस्त हमारे बढ़ गए हुए हैं। ये देखिए भाई जान, ये पराठे हैं, पराठे, ये पराठे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, पूड़ी वाले, जब मतलब कि हमारे पंजाब में जो ये पूड़ी कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे पराठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये हमारे सिद्दीकी भाई, क्या हाल है सिद्दीकी भाई? ठीक है, ये यहाँ पे कोयटा में रहते हैं, गुलरेज भाई है ना, देखा याद है बाकी ये हमारा टेबल है, यहाँ पे बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे। प्लेट बोला 520, एक प्लेट दो ले आओ, और
चिकन कबाब वो कितने का? वो भी बस दो हो गया। और भी मेरे कुछ मंगाना है। जनफर भाई को कशियां वशियां पड़ रही हैं, अभी खाना नहीं आया। हालत एक नंबर की। तो गाइस आज हमारा प्लेटर आ गया है, ये देखे हो अभी और चीजें भी आ रही हैं, ये तो फिलहाल और भी है ना, ये एक प्लेटर है। खाते हैं प्लेटर, खाते हैं आपको बताते हैं। मैंने तो अभी एक सलाद खाया है और मुझे लग लग लग। बाकी हमारा सामान और आ गया हुआ, ये देखें टिक्के विक्के आ गए हैं हमारे, ये बीफ टिक्के, कोल्ड ड्रिंक एक बड़ी, बाद में बताते हैं। बस खाना हमने खा लिया, खाना के खाया तबाही मचा दी हुई है सारी, तबाही मचा दी है। तो शुभाष भाई ने देखे खाना वाना, बोटियाँ शूटिंग खत्म हो गई थी, रात सलाद के साथ ना चटनी लगा के खा रहे। नहीं नहीं यार, बिल हम देंगे यार, नहीं यार यार, नहीं यार, यार क्या हो गया यार। नू भाई आपस में लड़ रहे हैं कि बिल मैं दूंगा, वो कहता है कि मैं दूंगा, ये कहता है कि मैं दूंगा। आप ऑडियंस बताएं कौन दे बिल। ये है जी जानमाल कोयटा का, ये देखें जी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? देखें जी चार चार लोग बैठ के जा रहे हैं, ये देखें ये भी हम चार लोग ही हैं। यहाँ से क्या लेना है? अस्सलाम वालेकुम। एक किलो दही, दूध। भाई इस पंगोल का छिलका बड़ा है, खा लो। इस्तांबुल का छिलका नहीं पिया, इस्तांबुल का छिलका। आज के व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जिसने जिसने अभी तक शाहरुख भाई व्लॉगिंग को जो ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन का बटन आना जरूर दबा देना। शिवाज भाई हंस रहे हैं इधर देख के, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। अभी हम अपने कंबल पे लेट गए हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर निकल के मैं ये व्लॉग एंड करूँ, तो मैंने सोचा कि ना यहाँ पे बैठे ना जो व्लॉग को एंड कर देते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।